जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब एग्जिट पोल सामने आ गए हैं और ये एग्जिट पोल बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें लाने वाले हैं। जी हां, बीजेपी के लिए बड़ा झटका है क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जी हाँ, हरियाणा में भी बीजेपी को झटका लगा है। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू क्षेत्र में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है, लेकिन कश्मीर में बीजेपी को झटका लगा है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा पर अगर नजर डालें तो जो एजेंसियां अपने एग्जिट पोल दिखा रही हैं उनमें सबसे पहला नाम है ध्रुव रिसर्च, जिसमें बीजेपी को 27 सीटें और कांग्रेस के खाते में 57 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि जजपा और इनेलो को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अन्य के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। पीपल्स पल्स के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो 20 से 32 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 49 से 61 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। यानी कि यहां भी कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है, कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है। जजपा को 1 सीट और इनेलो के खाते में 2 से 3 सीटें दिखाई जा रही हैं और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। रिपब्लिक मैट्रिक के अनुसार 21 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 59 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, 2 सीटें जजपा के खाते में जा रही हैं, 4 सीटें इनेलो के खाते में और 4 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। रिपब्लिक पी मार्क के अनुसार अगर हम बात करें तो 27 से 35 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 51 से 61 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं और 3 से 6 सीटें इनेलो के खाते में जा रही हैं। पोल स्ट्रैटेजी के आंकड़ों के अनुसार 23 से 33 सीटें बीजेपी को दिखाई जा रही हैं, 53 से 63 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं और 3 से 5 सीटें अन्य के खाते में हैं। जिस TIF रिसर्च के मुताबिक 29 से 37 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 45 से 53 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, 2 सीटें इनेलो के खाते में और 4 से 6 सीटें जो है अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई जा रही हैं। तो इस तरह से हरियाणा की बात जो हम कर रहे हैं कि हरियाणा में जो तमाम सर्वे एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल दिखाए हैं उसमें एक बार फिर 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी के संकेत हैं और बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसलती हुई नजर आ रही है। जो तमाम एग्जिट पोल्स के आंकड़े हैं वो यही कह रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जम्मू और कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में पीपल्स पल्स के आंकड़ों के मुताबिक जो उनके नतीजे हैं एग्जिट पोल के, उनके अनुसार बीजेपी को 23 से 27 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस प्लस के खाते में यानी कि कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन है उसको 46 से 50 सीटें जा रही हैं, पीडीपी को 7 से 11 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 4 से 6 सीटें जा सकती हैं। वहीं आज तक सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 27 से 32 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस प्लस यानी कि कांग्रेस और एनसी गठबंधन को 40 से 48 सीटें मिल सकती हैं, पीडीपी को 6 से 12 और अन्य के खाते में 6 से 11 सीटें जा रही हैं। तो हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सत्ता बनती हुई नहीं दिख रही है, यानी कि जिस तरीके से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है जम्मू कश्मीर में उसकी सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो वहां पर बीजेपी को कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है ऐसा एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। चुनावी नतीजे क्या कुछ होते हैं वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हरियाणा में 10 साल के बाद जिस तरीके से बीजेपी के हाथ से सत्ता जा रही है वो एक चिंता का विषय है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।